डू यू बिलीव इन मैरिज, या आपके आसपास जो हम आजकल एक्सपीरियंसेस देखते हैं और इतने इंसिडेंसेस देखते हैं, उससे कुछ डिस्करेज हो गई हैं, या हाउ डू यू व्यू मैरिज? यार शादी एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है मेरी नज़र में, और बहुत इम्पॉर्टेंट रिश्ता है. और शादी मेरी अभी हुई तो नहीं है खैर, लेकिन मुझे लगता है उसमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं. ट्रू बहुत कुछ चीज़ें अपने आप को, कभी आपको अपने आप को छोड़कर दूसरों का सोचना पड़ता है. तो शादी एक बहुत अच्छा रिश्ता है. मैं तो अल्लाह ने जब चाहा, जब मेरे नसीब में लिखा हुआ, मैं तो ज़रूर शादी करूँगी इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. लेकिन हाँ, मैंने देखा है यार कि कुछ शादियाँ बहुत अच्छी भी चलती हैं, कुछ अच्छी नहीं भी चलती हैं. हर जगह होता है, हर रिलेशन में होता है. तो आप अभी भी अभी तक पॉजिटिव? मुझे इसलिए मैं पूछी थी बिकॉज़ आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा उसका ना इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज में थोड़ा ट्रस्ट कम हो गया है, वो नहीं करना चाहते, वो डर गए हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स आपको आसपास नज़र आती हैं, या उन्होंने अपने माँ बाप के रिलेशनशिप को जिस तरीके से ठीक है, देखा. शादी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए. जो आजकल के लोगों को 2 दिन में प्यार और 4 दिन में शादी हो जाती है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता. शादी के लिए आपको अपने एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है, और एक दूसरे पे यकीन, भरोसा. और मेरे ख्याल से नहीं समझ आ रहा मुझे इसका कि मैं क्या बोलूँ. नहीं, आपने बिल्कुल सही बोल दिया है, बहुत अच्छा बोला है आपने कि यू नीड टू टेक टाइम. हाँ, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है शादी, क्योंकि शादी 2 दिन नहीं गुजारने हैं, आपने पूरी उम्र साथ गुजारनी सही है. बात है. मेरे ये बहुत मुश्किल है कि आपने सारी उम्र एक आदमी के साथ गुजारनी है, एक औरत के साथ गुजारनी है. तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस, सोच समझ के करें. हाँ, इसको बहुत सोच समझ कर करें, इसमें कोई जल्दी नहीं करें. और ये भी सोच लें कि आपको भी थोड़ा बहुत चेंज होना पड़ेगा शायद. सबसे चेंज, इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है, व्हेन यू आर रेडी टू डू दैट आई थिंक. बॉस चेंज तो होना पड़ेगा. तो आप हो जाएंगी तन्हाई में, किसी को ऐड कर लेंगी? मैं ये सोच रही हूँ उससे क्या होगा. पता नहीं क्या होगा, देखेंगे उस टाइम क्या होता है. अभी तो खैर इस बारे में कुछ सोचा नहीं है. तो जब होगी, जब अल्लाह ताला ने लिखा होगा, तब तो कर ही लेंगे. तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई जिसकी वजह से आपको कभी सोचना पड़ा या कुछ? ये घुमा फिरा के आपने ऐसा सवाल पूछा है. आस्किंग. आई थी बट मना कर दिया नहीं आपने. नहीं ऐसी ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है. नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं आई हो. हाँ आई है, लेकिन देखें क्या होता है. हु यू आर कंसिडरिंग? आप सोचिए, अभी प्रोसेस में है उसे. तो हम जल्दी कुछ गुड न्यूज़ सुनेंगे फिर. ओके, मैं उनको मजाक कर रही थी, टीज कर रही थी. आई स्टॉप हियर. मुझे कभी समझ नहीं आ कभी रहा कि मैं बोलूं क्या, हाँ बोलूं ना बोलूं. अगर मैं ना बोलूंगी तो वहां से फंस जाऊंगी, अगर हाँ बोलूंगी तो यहाँ फंस ओह माय जाऊंगी. गुडनेस, एक्चुअली कुछ हो रहा है इसका मतलब है. ओके, क्लोज 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 चैप्टर. वी विल वेट फॉर द न्यूज़ इंशाल्लाह. ठीक है. अच्छा, शादी और करियर कैसे देखती हैं दोनों को? क्या दोनों में से कोई एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, या दोनों इम्पोर्टेंट हैं, या दोनों एक साथ चल सकते हैं? देखें, दोनों ही चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, करियर भी और शादी भी. आपने क्या चूज़ करना है वो देखें. अगर आपने, आप अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस हैं और अभी आप सिर्फ एक टाइम पे एक ही चीज़ मैनेज कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली करियर. और अगर शादी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है करियर से ज़्यादा, तो आप शादी को लेकर चलें. लेकिन शादी और करियर को बहुत सारे लोग एक साथ लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल. हमारे सामने एग्जांपल्स हैं वो, ठीक है, हो सकता है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप इस रास्ते पे चले गए हैं, आपने सोच ही लिया है, आपके कोई गोल्स हैं, आपने कोई अपना फ्यूचर देखा हुआ है, तो पहले करियर को देख लें, शादी तो होती रहेगी, हो जाएगी. आपका जो ड्रामा आ रहा है उसमें भी तो यही टॉपिक है. हाँ यही है टॉपिक. लेकिन इसमें एक चीज़ और है ना, कि आपने करियर को लेके पागल नहीं हो जाना कि ये बैलेंस. मैं हूँ तो ये मुझे करना है. इसमें आप जो चीज़ जा रही है जाए, और जो आ रही है आए. अगर आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके करीबी लोग आपके साथ नहीं है ना, तो आप वो अचीव कर भी लें जो आपने सोचा है, आपको इसमें मज़ा नहीं आएगा. ओके. तो आपने
अगर ऐसा कोई आ गया है टाइम पीरियड के आपको अब करना है, दोनों को साथ लेकर चलना है, तो फिर आपको समझदारी का मुजाहरा करना है और चीज़ों को बैलेंस लेकर चलना है. आपने अगर करियर करना है ओके फाइन, लेकिन आपने आप अपने इन रिश्तों को छोड़ नहीं सकते, इन रिश्तों के बगैर कुछ भी नहीं है. ट्रू. तो आप कोशिश करें कि आप इस सबको लेकर चलें एक साथ, पागल नहीं हो जाना करियर के चक्कर में. दैट्स ट्रू. इट्स अ वेरी फाइन बैलेंस एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लड़कियां इस चीज़ को समझें कि दोनों में से किसी एक चीज़ पे भी एक्सट्रीम पे नहीं जाएं. एक्सट्रीम पे तो नहीं जाना, और इन दोनों का बैलेंस होना ही ज़रूरी है. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको क्या लगता है कि लड़कियों के लिए कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है. मैं कहती हूँ हर लड़की को होना चाहिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट. अगर अच्छा, मैं जब से छोटी थी ना, मेरा यही था कि मुझे खुद करना है जो भी करना है. मैं मुझे बाबा अगर देख रहे होंगे तो मैं उनसे कभी नहीं कुछ मांगती थी. ओके. जब एक टाइम आ गया ना, मैं 14-15 ईयर्स की हो गई, तो मेरे बाबा ने एक दफ़ा मुझे बिठा के, तुम मुझसे कुछ मांगती क्यों नहीं हो? मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स से इतनी ख्वाहिशें करते हैं, इतनी चीज़ें मांगते हैं, तुम एकदम से चुप क्यों हो गई हो? तुम क्यों नहीं मुझसे कुछ मांगती? ओके. तो मैंने उनको, अब मैं उनको बता तो नहीं पाई, लेकिन मेरा शुरू से यही था कि मुझे खुद कुछ करना है, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट खुद हो जाऊँ 15 साल की उम्र में. तो मेरे लिए तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहा है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए हर लड़की को. तो उस ज़माने में कोई आप ट्यूशन देती थी या कुछ करती थी? नहीं, 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 बस छुपकर के दिल में ख्वाहिश थी. ये चल रहा होता था ना दिमाग में, क्या करना है, कैसे करना है. तो ये ख्याली पुलाव बन रहा होता था कि मैं ये करूँगी और ऐसे करूँगी, ऐसे लेके चलूँगी, फिर मैं खुद करूँगी. बहुत ज़रूरी है. क्या तो जब सोच रही थी तो क्या दो तीन चीज़ें होती थी कि मैं खुद जब कमाऊँगी तो मैं ये करूँगी ये करूँगी? अच्छा, तब तो बच्ची थी, तो मेरा ये था कि जब मैं कमाना शुरू होंगी ना, मैं बहुत सारा मेकअप लूँगी अपने लिए. सही है भाई, वो तो हम अभी भी तक सोचते हैं आई थिंक. हाँ, मैं बहुत सारा मेकअप लूँगी. उसके बाद था कि मैं अपनी गाड़ी लूँगी. मुझे गाड़ी का बहुत शौक था. ले ली माशाल्लाह. कितने साल पहले? कब? एक साल पहले. दैट्स गुड. एंड हाउ डिड यू फील जब आप लेने जा रही थी? या बहुत खुशी, बहुत खुशी. आपको बता नहीं सकती लफ्जों में वो, बिकॉज वो आपके बचपन का ख्वाब था और वो पूरा हो गया. तो आई थिंक उसकी तो फीलिंग ही डिफरेंट होगी आपके लिए. नहीं, सही कह रही हूं. और फिर मेरा ये था कि जब मेरे पास इतने हो जाएंगे तो मैंने अपने अम्मी अब्बू को हज और उमरा करवाना. वो भी करवा दिया? नहीं, वो नहीं करवाया. वो इंशाल्लाह, माशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वो भी ज़रूर होगा. जब इतनी खूबसूरत ख्वाहिश है, वो भी माँ बाप से रिलेटेड, तो आई एम श्योर अल्लाह इंशाल्लाह.